हेलो क्रिएटिव फ्रेंड्स, आज का क्राफ्ट हमारा बहुत ही ट्रेंडिंग में चलने वाला दिवाली स्पेशल क्राफ्ट है। मैं हूँ चेतना पटेल और चेतनास क्रिएटिव क्राफ्ट चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये टेराकोटा मिट्टी का प्लांटर लिया है और थोड़े से दीपक लिए हैं। इन दीपक और इस टेराकोटा मिट्टी के प्लांटर का यूज करके आज का हम क्राफ्ट बनाने वाले हैं। ये सभी सामान है, उसे हम सबसे पहले पानी में अच्छे से भिगो लेंगे और ये पानी पी के अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद इन चीज़ों का यूज़ करके हम हमारा क्राफ्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि दीपावली का त्यौहार जब पास में आता है तब इस मिट्टी के बर्तन बेचने वाले लोग, बहुत सारे लोग हमें सभी जगह पे दिखाई देते हैं। तो मैंने उनके पास से ये सभी सामान को लिया है और ये मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिला है। फ्रेंड्स, आपके पास इस तरह का प्लांटर और इस तरह के दिए पुराने पड़े हुए हो तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास पुराने दिए नहीं थे इसीलिए मैंने बाज़ार से इन नए दीपक का यूज़ किया है। ये वाइट सीमेंट है और इस वाइट सीमेंट में पानी मिला के हम एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करेंगे और इसी पेस्ट से हम हमारा क्राफ्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये पेस्ट बन के भी रेडी है। हमने जो हैंगिंग प्लांटर लिया है उसको उल्टा रख के इसके अराउंड हम इस तरह से सभी दीपक को सेट करेंगे, सभी दियों को अच्छे से सेट करेंगे। ये दिए अच्छे से सेट हो जाए इसके बाद इसके ऊपर हमने जो वाइट सीमेंट की पेस्ट बनाई है उस पेस्ट को अच्छे से अप्लाई करेंगे। तो आप इसी तरह से इसके ऊपर वाइट सीमेंट की पेस्ट को अप्लाई करते जाइए और ये वाइट सीमेंट की पेस्ट अच्छे से लग जाए, इसके बाद आपको 2 घंटे तक इस दियो को और इस प्लांटर को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। आप इसे हिलाएंगे तो ये क्राफ्ट है वो यहाँ जॉइंट से निकल जाएगा। तो हमारे ये सभी जॉइंट्स लग के रेडी है और हमारी ये उरली भी बन के अभी अटैच होके रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इस उरली को मैं सीधा कर रही हूँ तो मेरे सभी दिए हैं, दीपक है, वो अटैच होके रेडी हो गई है। इसमें मैं डार्क ब्राउन कलर को अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें गोल्डन कलर को भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे गोल्डन कलर अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे इस तरह का थोड़ा सा शेड चाहिए था, इसलिए मैंने डार्क ब्राउन कलर का यूज़ किया है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग के कलर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो हमारे ये सभी दीपक कलर लग के रेडी है। इसके ऊपर मैं एक्रेलिक गोल्डन कलर को अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैं उंगली की हेल्प से धीरे धीरे टैप करके इस एक्रेलिक गोल्डन कलर को इस उरली के ऊपर बॉर्डर पे धीरे धीरे करके यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो आप उंगली की जगह पे स्पंज का यूज़ भी कर सकते हो और इस गोल्डन कलर की जगह पे आप वाइट कलर के डॉट्स भी लगा सकते हो और आप चाहो तो इसके ऊपर मिरर्स को भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे ये बहुत ही सिंपल चाहिए थी इसलिए मैंने इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं किया है। तो हमारी ये उरली अब रेडी होके तैयार हो गई है और ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रही है और बाज़ार से मैंने अभी अभी ही न्यू बाय की हो ऐसी बहुत ही सुंदर कम बजट में मेरी उरली बन के रेडी है। इसके अंदर मैं इस दिवाली दियो को जलाने वाली हूँ और ये उरली मेरे घर की डेकोरेशन में 4 चांद लगाने वाली है और इस दीपावली मेरे घर को ये बहुत ही जगमगाहट करने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इस तरह से इस उरली में मैंने सभी दियों के अंदर दीपक को जला दिया है और ये बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। फ्रेंड्स, आपको आज का क्राफ्ट कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह के बहुत सारे क्राफ्ट मेरी चैनल पे अवेलेबल है तो मेरी चैनल की विजिट कीजिए और इस तरह के क्राफ्ट को बनाकर इस दिवाली अपने घर की
डेकोरेशन में चार चांद लगाइए और अपने घर को रोशनी से जगमगाइए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।